नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा हरे राम। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका रैंक कार्ड या फिर आपकी मेरिट लिस्ट किस डेट को तैयार होगी अगर आपने 10th बेस पर डिप्लोमा कोर्स के लिए अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है या फिर आपने 12th बेस पर लेटर एंट्री बेस पर अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके मेरिट लिस्ट या फिर रैंक कार्ड किस डेट को तैयार होगा और आप किस प्रकार अपने मोबाइल फ़ोन पर लैपटॉप पर चेक कर पाओगे। सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिया जा रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी चेक कर सकें कि उसका मेरिट लिस्ट या फिर रैंक कार्ड किस डेट को तैयार होने वाला है और वो कैसे चेक करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने हूँ हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर, और सबसे पहले हमने यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर का की डेट्स शेड्यूल को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियर का सेशन 2023 से 2024, और ड्यूरेशन जो रहेगा आपका 3 साल का कोर्स रहेगा, और आज है 26 तारीख और आज आपका रजिस्ट्रेशन डेट जो है एंड हो चुका है, एंड होने वाला है 11:59 PM पर। उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन रहेगा वो इस डेट को हो जाएगा, लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो इस डेट को तैयार हो जाएगा। दोस्तों आज तक जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इन दिनों के अंदर आपका 4-5 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट रिजल्ट तैयार होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म है, आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो भी आपके मार्क्स आए हैं 10th बेस पर उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार होगा। आपका जो रिजल्ट आएगा मेरिट लिस्ट यानी रैंक कार्ड जो तैयार होगा 1/8/2023 को 5 PM यानी इवनिंग टाइम में तैयार हो जाएगा और इस डेट को अनाउंस वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। चेक कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आपका रैंक या फिर मेरिट लिस्ट आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इसमें एक आपको न्यूज़ देता हूँ कि जैसे ही रैंक यहाँ पर इवनिंग टाइम में आएगा कि आपका मेरिट लिस्ट क्या बना है आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से, तो उस टाइम वेबसाइट पर लोड ज़्यादा होता है तो कुछ एरर भी आ सकता है, तो आप थोड़ी देर में भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे अब लेटर एंट्री बेस पर। तो हमने यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट किया है और 24 तारीख जा चुकी है, रजिस्ट्रेशन डेट एंड हो गया था, और यहाँ पर देख सकते हैं सेशन 2023-2024, ड्यूरेशन आपका जो रहेगा कोर्स का वो 2 साल का रहेगा। यहाँ पर लिखा है इंटर से मैच रिजल्ट डेट 27 तारीख यानी कल 27 तारीख है, और शाम के टाइम इवनिंग टाइम में 5 बजे आपका जो मेरिट रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो ये हमने आपको डेट बता दी है कि आपका मेरिट लिस्ट या फिर रैंक कार्ड तैयार हो जाएगा, और अब हम आपको बताएंगे कि आपको अपना रैंक या फिर मेरिट लिस्ट कैसे आपको चेक करने है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट के पास रजिस्ट्रेशन आईडी है या फिर पासवर्ड उसका है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर आप हमें मैसेज करना, तो हम खुद उसकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर कल उसका रैंक कार्ड चेक करेंगे और उस पर एक वीडियो भी बना देंगे। लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ब्लर रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए, और ये आप मुझे ज़रूर मैसेज करना इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा बताते हैं आपको कैसे रैंक कार्ड आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल पर आ जाते हैं, सबसे पहले हम गूगल यहाँ पर ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र में या फिर अपने लैपटॉप में, या फिर आप अपने फ़ोन से भी चेक कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर आपको चेक करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम में गूगल ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है टेक एडमिशन HRY DOV HRY, इसको लिख कर आपको सर्च करना है। तो जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको ना एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का TechAdmissionHRY.gov.in, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से स्टेप सेकंड से आपका जो भी आप कॉलेज वगैरह काउंसलिंग होगी वो यहाँ आपकी यहाँ से होगी, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर मिलेगा ये वाला, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप मेल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एजुकेशन सोसाइटी में आपकी मेल या फ़ोन जाएगा और यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम हो तो काउंसलिंग के दौरान या फिर रजिस्ट्रेशन के दौरान। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ चुका है डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये तो आपका एडमिट कार्ड है, ये कुछ और चीज़ है,
सॉरी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक रैंक का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड रैंक। तो आपको एक रैंक का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पर डाउनलोड, जैसे एडमिट कार्ड खुला है, तो यहाँ पर आपका रैंक का खुल जाएगा। उसके बाद आपको डिप्लोमा इंजीनियर या फिर लेटर एंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सिक्योरिटी कोड, उसके बाद व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो आपका फिर क्या आएगा, यहाँ पर रैंक कार्ड या फिर जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है अपनी मेरिट लिस्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल को प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री राधे कृष्ण।